एजुकेशन इन कल्चरल लैग। तो हम अपने सीधे प्रश्न पर आते हैं, रोल ऑफ एजुकेशन इन कल्चरल लैग, एजुकेशन की सांस्कृतिक विलंबना में क्या भूमिका होती है। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि ये जो हमारा कल्चरल लैग है, ये क्या करता है कि हमारे समाज की जो सॉलिडरिटी है, जो हमारी कंसेंसस है, उसे ब्रेक्स डाउन कर देती है। कल्चरल लैग क्या करती है? ब्रेक्स डाउन कर देती है। ब्रेक्स डाउन सोशल सॉलिडरिटी। सोशल सॉलिडरिटी को ब्रेक्स डाउन कर देती है। कैसे ब्रेक डाउन कर देती है? कि मान लो कोई आविष्कार हुआ, कोई इनोवेशन आया, कोई विचारधारा आई, उसे समाज के एक वर्ग ने स्वीकार कर लिया और दूसरे पक्ष ने स्वीकार नहीं किया, तो एक मतभेद वाली स्थिति समाज में हो जाती है और इससे सोशल सॉलिडरिटी समाज की ब्रेक डाउन हो जाती है। इस तरीके से एक सामाजिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो कल्चरल एक्ट क्या करता है कि समाज की जो सोशल सॉलिडरिटी है उसे ब्रेक डाउन कर देती है तथा क्या करती है कि राइजेस सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सोशल सॉलिडरिटी ब्रेक डाउन हो गई और सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आगे आ जाता है इस कल्चरल लैग के कारण। एजुकेशन क्या करती है हमारी कि एजुकेशन इस सोशल सॉलिडरिटी को मेंटेन करती है, या हम ये कहें कि मेंटेन करने का प्रयास करती है, और क्या करती है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का प्रयास करती है। अब प्रश्न उठता है कि शिक्षा ये काम कैसे करती है? तो हम देखते हैं कि शिक्षा ये काम कैसे करती है। तो शिक्षा ये काम कैसे करती है? शिक्षा यह काम हमारा मानसिक विकास करके करती है, हमारे अंदर उन शक्तियों का विकास करके करती है जिनके द्वारा हम परिवर्तनों को एनालाइज कर सके, उनका विश्लेषण कर सके कि कौन से परिवर्तन स्वीकार करने योग्य हैं और कौन से परिवर्तन स्वीकार करने योग्य नहीं है। अर्थात हमारे अंदर जो एनालिटिकल एबिलिटी शिक्षा उत्पन्न करती है, उसके माध्यम से शिक्षा जो है ये सोशल सॉलिडरिटी को बनाए रखने का प्रयास करती है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का प्रयास करती है। तो क्या करती है शिक्षा? मेंटल डेवलपमेंट के माध्यम से ये काम करती है। मेंटल डेवलपमेंट टू एनालाइज चेंजेस, और क्या करती है कि इस प्रकार से जब हम चेंजेस को एनालाइज करने के योग्य बन जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा क्या हो जाता है कि जो मॉरल एंड इथिकल डायलेमा है वो समाप्त हो जाता है। टू एंड मॉरल एंड इथिकल डायलेमा। कोई सोशल कल्चरल चेंज आया समाज में तो एक उहापेह की स्थिति होती है कि हम इस परिवर्तन को स्वीकार करें ना करें, ये नैतिक आधार पर ठीक है नहीं है, है ना, नीतिगत आधार पर ठीक है नहीं है। तो जो एक मॉरल एंड इथिकल डायलेमा की स्थिति होती है उसको जो हमारी शिक्षा है वो हमारा मानसिक विकास इस तरीके से करती है कि हम उस परिवर्तन को एनालाइज करने के योग्य बन जाते हैं और इस तरीके से हमारा जो मॉरल एंड इथिकल डायलेमा वाली सिचुएशन है उसका अंत हो पाता है। और इसके साथ ही शिक्षा क्या करती है कि मेंटल डेवलपमेंट करती है, और क्या करती है कि कंडक्शन ऑफ रिसर्चेस करती है। कंडक्शन ऑफ रिसर्चेस करती है। तो शिक्षा क्या करती है कि कंडक्शन ऑफ रिसर्चेस करती है रिगार्डिंग द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। रिगार्डिंग द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, और क्या करती है शिक्षा कि कंडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द टारगेट पॉपुलेशन, कंडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द टारगेट पॉपुलेशन, और क्या करती है सेमिनार्स,
वर्कशॉप्स, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, और इस तरीके से जो उसने रिसर्चेस की हैं, उनके जो परिणाम आए हैं उसका प्रचार प्रसार शिक्षा करती है, है ना। तो इस प्रकार से शिक्षा जो है वो कल्चरल लेग में अपनी भूमिका निभाती है।